हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शॉपिंग लैंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 3 बर्नर गैस स्टोव, जो कि ब्रांड है ग्रीन शेफ की, और जो कि मैंने परचेज़ की है अमेजोन से। तो ये मैंने खुद अपने लिए ही परचेज़ की है। तो मैं इस पे मेरा पहला क्वेश्चन ये आता है, मैंने भी परचेज़ करने से पहले इसके बहुत सारे रिव्यू चेक किए, वीडियोस देखी, क्योंकि ये बहुत जो ग्लास बर्नर जो 3 स्टोव का मिलता है उसकी स्टार्टिंग ही 3,000 से होती है, लेकिन ये अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे 2,200, इवन जो फ्लिपकार्ट की सेल थी उसमें ये 1,900 में मिल रहा था। तो इसके रिव्यूज़ भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने वो रिव्यूज़ देख के ही इसको ऑर्डर कराया है, क्योंकि इसका जो ग्लास टॉप है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और इसका प्राइस जो है वो भी रीजनेबल प्राइस है। 1,900 में मैंने इसको परचेज़ किया है, और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है। तो चलिए मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो आपको अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ। और क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को ये ग्रीन शेफ का 3 बर्नर स्टोव सेट खरीदना चाहिए या नहीं, यू शुड बाय और नॉट। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिव्यू और अनपैक ऑफ ग्रीन शेफ 3V स्टोव। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर देती हूँ। तो ये जो आपको व्हाइट जैकेट में दिख रहा है वो मेरा बेबी है, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। हर जितनी भी मेरी रिकॉर्डिंग होती है उसमें ये बैग मेरा हेल्पिंग हैंड जो है यही होता है, जो कि मेरे अभी भी मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। तो चलिए मैंने इसमें से निकाल के आपको दिखाया है इसका टॉप स्टैंड, और फ्लेम जिससे निकलती है वो आई थिंक ब्रास का होता है। तो मैं इसके कुछ आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको खरीदने चाहिए या नहीं। तो जो इसके अच्छे पॉइंट है मैं पहले उसका आपको बता देती हूँ। अच्छा पॉइंट ये है कि ये बहुत ही गुड लुकिंग है, मतलब आपकी किचन की ये एकदम लुक ही चेंज कर देगा। सो बहुत ही अच्छा है, और प्राइस इसका सेकंड बहुत ही रिजनेबल है। थर्ड ही आपको 2 ईयर्स वारंटी के साथ मिलता है। और आप ये 3 गैस वाला स्टोव आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको 3,000 से कम कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही चीप रेट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। तो ये इसके अच्छे पॉइंट हैं। अब मैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट बता देती हूँ कि फर्स्ट जो है इसकी जो नोव है, जो कि अब मेरे हाथ में अभी देख पा रहे हैं, ये बहुत ही फ्रिजाइल टाइप के हैं। मतलब आप अगर इसको उसको मिनिमम मैक्सिमम जैसे ही हमें इसको करना होता है, मतलब लो सिम पे या हाई सिम पे, अगर आपको इसने थोड़ा सा भी ज़्यादा आपने आगे पीछे कर दिया तो ये नोव जो है कभी भी ब्रेक हो सकती है। तो बैड पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा यही है। सेकेंड चीज़, इसकी सबसे जो ख़राब चीज़ मुझे ये लगी है कि देखिए, कुकिंग करने के लिए जो हमारे हाउस होल्ड जितने भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं उसमें मेन आती है हमारे कुकर, कढ़ाई, पैन वगैरह। तो मैंने इसमें लास्ट में वीडियो की लास्ट में एक पिक डाली हुई है जिसमें मैंने एक कढ़ाई, एक कुकर जो कि 3 लीटर का है, और एक चाय का पैन, तो तीनों को मैंने रखा है। तो अगर आप इसमें कुकिंग करना चाहते हैं तो आपका जो भी यूटेंसिल है, लाइक कुकर, कुकर की जो जो कुकर का जो नीचे का पोर्शन होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। तो इसमें आप बर्तन कोई भी रखना चाहते हैं तो वो आपको फ्लैट रखना पड़ेगा। जैसे कि कढ़ाई होती है वो नीचे से राउंड होती है, अगर आप उस कढ़ाई को इसके ऊपर रखेंगे तो वो इसमें मतलब डांस करती है। आप जब भी उसमें कुकिंग करेंगे आपको कढ़ाई को बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा, ऑल टाइम पकड़ के रखना पड़ेगा, वरना आपकी कढ़ाई जो है कभी भी गैस से गिर सकती है। और तीसरी जो इसकी बैड थिंग मुझे ये लगी, जो इसके स्टील के जो इसमें स्टैंड होते हैं वो कभी कुछ भी स्पिल होता है, जैसे कि चाय स्पिल हो जाती है, कभी कभी दूध स्पिल हो जाता है, तो हम उसको इजीली निकाल के वॉश कर लेते हैं। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये फिक्सेबल है, तो आप इसको निकाल के वॉश नहीं कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट ही इसमें करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको अब पूरा निकाल के दिखा देती हूँ, क्लोज लुक दिखा देती हूँ मैं इसकी। तो ये मैंने नोब कनेक्ट किया है, बट नोब से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इसकी नोब कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगती है कि या फिर ये फिट नहीं हुई है, या फिर इसके प्रॉपर साइज नहीं है, या फिर इसमें कुछ और काम करने की ज़रूरत थी। बट ऑल ओवर इस रेंज में ये गैस स्टोव बहुत ही अच्छा है। आप इसको सामने से देख सकते, बहुत ही अच्छा है।
बस इसमें मेन प्रॉब्लम एक यही है कि आप इसका जो आप देख रहे हैं इसमें आप कढ़ाई रखना बहुत ही मुश्किल है। जो भी आपका यूटेंसिल होगा उसका सरफेस जो है बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, तभी इस पे वर्क करेगा, दूसरा इस पे वर्क नहीं करेगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं कम बजट में तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। इसका लिंक, बाय लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से इसको मैं 5 में से 3 मार्क देना चाहूँगी, बट लुक वाइज इट्स वेरी वेरी नाइस और रिजनेबल रिजनेबल प्राइस भी है। तो ये आपकी किचन को बहुत ही अच्छा लुक देता है। ग्रीन शेफ इसकी ब्रांड है, ये अभी अभी लॉन्च हुई है ये ब्रांड, काफ़ी अभी मीन्स काफ़ी 2-3 साल ही हुए हैं इस ब्रांड को, तो ठीक है, ऑल ओवर इज गुड। तो लास्ट में अब एक पिक देखिएगा, मैंने इसमें लास्ट वीडियो के लास्ट में डाली हुई है, जिसमें मैंने कुकर, कढ़ाई और टी का पैन रखा हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना स्पेस लेता है। साथ में ये वारंटी कार्ड मिलता है हमें, इसमें 2 इयर्स की वारंटी मिलेगी आपको, और इसके ग्लास पे भी वारंटी है, और इसके जितने भी इंटरनल जो भी हैं उन सब पे इसकी वारंटी है। तो इट्स अ गुड बाय। अगर ये रिव्यू आपको कुछ हेल्प करता है, आप उसको परचेस करने की सोच रहे हैं, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाय। चलिए बाय कर दो बेबी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।